रात को यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का स्नो स्टॉर्म आया हुआ था और काफ़ी विंडी भी था और काफ़ी स्नो गिर रही थी। सारा मेरे घर के आगे का हिस्सा है, ये ड्राइवे सामने, मैंने उसको हालांकि साफ़ कर दिया था लेकिन फिर दोबारा ये भर गया स्नो से। आपको आवाज़ आ रही होगी, हवाएं चल रही थी। यहाँ पर काफ़ी ताज़ी बर्फ़ गिर गई है तो मैंने सोचा चले आज मैं आपको इंस्टेंट कोल्हे बनाने की तरकीब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप स्नो किसी अच्छी जगह से ले लें जहाँ पे कोई जानवर ना गुजरा हो। और इसके ऊपर कंडेंस मिल्क डालें, कंडेंस मिल्क आपके मर्ज़ी है, आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोज़ा डाल ली हूँ, एक कलर भी आ जाता है और थोड़ा सा जायका भी इसका अच्छा आ जाता है। और ये हमारा इंस्टेंट मज़ेदार किस्म का गोला गंडा रेडी है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और मज़ेदार किस्म का इंस्टेंट गोला गंडा आप घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये मेरे घर के आगे इतनी बर्फ़ जम गई है, रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। ये मेरे पड़ोसी हैं, उनके पास बड़ी मशीन है तो उन्होंने मेरे ड्राइवे के आगे की सारी स्नो साफ़ करी है। बाकी जो थोड़ी बहुत है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और कंपनी वाले जब मेन रोड की साफ़ करते हैं स्नो तो वो आपके घर के आगे डाल जाते हैं, तो ये भी मैं साफ़ करूँगी। और ये फायर हाइड्रेंट के आगे की भी मुझे ही ये स्नो साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि अगर आग वाग लग जाए तो फिर जो फायरमैन हैं उनको आसानी हो फायर हाइड्रेंट से पानी निकालने की।